में नगर निकाय चुनावों का ऐलान, 12 अक्टूबर को आएगा परिणाम। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजधानी रायपुर में नड्डा ने किया रोड शो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का पहला छत्तीसगढ़ दौरा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा ये लोग कांग्रेस का खजाना भरना चाहते हैं, कांग्रेस की सोच देश विरोधी है। आतंकी याकूब की कब्र को सजाने के मामले में खुलासा, वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट की मिली भगत से कब्र पर लगा मार्बल, टाइगर मेमन के नाम पर दी गई थी धमकी। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, कहा बीजेपी की विचारधारा बांटने वाली, हमारी यात्रा जनता को जोड़ने वाली, धर्म के आधार पर देश को बांटा गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का जोरदार हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा करना गलत, अगर जोड़ना है तो भारत के अलग हुए हिस्से को जोड़ो। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के मंच पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पहुंचकर हंगामा किया। सिवान में महावीरी जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में 20 उपद्रवी गिरफ्तार, 35 नामजद लोगों पर FIR, मस्जिद से की गई पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल। गोवा के कलीज रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई को 14 सितंबर को होगी। गोवा के कलीज रेस्टोरेंट पर चला सावंत सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण की वजह से तोड़ने के आदेश। सोनाली फोगाट के मामले में क्लब पर कार्रवाई, सोनाली फोगाट को इसी होटल में दी गई थी ड्रग्स। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रचंड प्रहार, जौनपुर में सीएम योगी बोले भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे, अपराधी की संपत्ति जब्त कर गरीबों को दी जाएगी। सीएम योगी का जौनपुर दौरा, 2 परियोजनाओं का किया निरीक्षण। गाजीपुर के मालवीय कहे जाने वाले राजेश्वर प्रसाद सिंह की मूर्ति का सीएम योगी ने किया अनावरण, कहा हर एक परिवार से एक को रोजगार देने की तैयारी। महोबा में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जिसकी हैसियत सांसद जिताने की नहीं, वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का पुलिस विभाग पर बड़ा बयान, सरकार की छवि धूमिल कर रही है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त बड़ी कार्रवाई करे पुलिस के उच्च अधिकारी। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिवसिंहपुर गांव में लगाई चौपाल, बिजली के ज्यादा बिल की शिकायत पर लिया संज्ञान। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर जनता के बीच पहुंचे, जलभराव की लगातार आ रही शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, लखनऊ के SSJ होटल को किया गया सील, होटल के दोबारा बनने पर सीएम ऑफिस ने जताई थी नाराजगी। ओपी राजभर को लगा एक और बड़ा झटका, घोसी में SBSP के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, जिलाध्यक्ष ने 6 करोड़ में MLA का टिकट बेचने का आरोप लगाया। BSP सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कांग्रेस के जमाने से मुस्लिम शोषित तो उपेक्षित, बीजेपी शासन में भी दमन का खेल जारी, यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कुल 7 बिंदुओं के आधार पर दिया जाएगा टिकट, यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार। सेंट्रल विस्टा देखने वालों को दिल्ली मेट्रो का तोहफा, आज से एक हफ्ते के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक बसों से कराएगी दर्शन, शाम 5 बजे से 9 बजे तक मिलेगी सेवा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, आरोपी आनंद गिरी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, अधिकारियों को धमकाने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट की थी दाखिल, चार्जशीट को दी गई है कोर्ट में चुनौती। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मिली बेल, UAPA में बंद थे पत्रकार सिद्दीकी, हाथरस कांड में जनता को भड़काने का था आरोप। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते को लेकर तनातनी, विवाद का एक और वीडियो आया सामने, कुत्ते के मालिक पर महिला को गाली देने का आरोप, सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए कहने पर विवाद। बाइक बोझ घोटाले के सभी मामलों की जांच करेगी CBI, प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। नोएडा के बाइक बोझ घोटाला मामले में अलग अलग थानों में कुल 118 मुकदमे दर्ज, EOW का रहा इनमें से 106 मुकदमों की जांच।
लखनऊ के लिवाना होटल में हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन। आवासीय जमीन पर खड़े 70 होटल हो सकते हैं जमींदोज। कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद जारी होगा आदेश। अमेठी में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों की मौत से हड़कंप। अज्ञात वाहन ने दोनों को मारी टक्कर। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर एक कार गहरी खाई में गिरी। कार में सवार तीन लोगों की मौके पर मौत, तीन लोग हुए घायल। संभल में 9 दिन बाद भी नहीं दलित नाबालिग छात्रा का पता लगा। चंदौसी कोतवाली के इंस्पेक्टर हटाए गए। 4 इंस्पेक्टर और 15 दरोगा ट्रांसफर। 30 अगस्त को बच्ची को बहला कर ले गया था युवा। मुरादाबाद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई सामने। सरकारी स्कूल के टीचर के अश्लील हरकतों से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ा। कन्नौज में गणेश प्रतिमा को प्रणाम करने पर दलित किशोर की पिटाई का आरोप। पीड़ित के परिवार ने पुलिस से की शिकायत। बाराबंकी में सरकारी स्कूल में दलित दिव्यांग छात्रा के हाथ पर डाली गरम खौलती सब्जी। परिजनों ने प्रधानाध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप। बहराइच में एपीओ का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। बीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। कन्नौज में मानव तस्करी, देह व्यापार और सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। आजमगढ़ में मासूम संग दुष्कर्म और वीडियो बनाने का मामला। आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2 लाख का लगाया जुर्माना। रायबरेली में अवैध पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई। चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। पैथोलॉजी को किया गया सीज। आगरा में डेंगू की दस्तक। एक ही परिवार के 3 बच्चे डेंगू की चपेट में। जिला अस्पताल में कुल 4 मरीज भर्ती। अस्पताल में 10 बेड किए गए तैयार। सीतापुर में जी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पिटाई करने वाले सहायक अध्यापक निलंबित। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। बदमाशों ने ही शुरू की थी फायरिंग। मथुरा में जिला सहकारी बैंक से दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी। कैश काउंटर से कैशियर के जाते ही चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस कर रही मामले की जांच। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान विवाद में हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हत्या के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात। संगम तट पर पितृपक्ष को लेकर तैयारियां पूरी। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देश भर से जुटेंगे लोग, करेंगे पूजा पाठ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संघ की बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा भी की। फीस वृद्धि के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। छात्र संघ भवन के आमने सामने अनशन। विश्वविद्यालय परिसर का माहौल तनावपूर्ण। अलीगढ़ में गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस मुस्तैद। आज और कल रामघाट रोड पर रहेगी भीड़। रामघाट या राजघाट पर होगा मूर्ति विसर्जन। झांसी पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर मारा छापा। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद। 170 लीटर अवैध शराब, 1100 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। बहराइच में दबंगों ने की मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर परिवार की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए खप्पर यात्रा। अंधविश्वास का दिखा नजारा। ग्रामीणों की फेरी का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की छत से गिरा युवक। दोस्तों के साथ किसी से मिलने गया था युवक। पुलिस कर रही मामले की जांच। बरेली में बीए के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने किया हंगामा। छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। रिजल्ट में पाई गई है अनियमितता। बाराबंकी में तमंचों के साथ युवक का डांस करते वीडियो वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। झांसी में क्रशर की ब्लास्टिंग का डर। पत्थर स्कूल के पास गिरने से डरे बच्चे। बच्चों ने स्कूल आना बंद किया। अलीगढ़ में मनमढ़ों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े। ग्राम प्रधान ने लगवाए थे कैमरे। अपराध पर लगाम कसने के लिए लगवाए गए थे कैमरे। गाजियाबाद में निजी स्कूल प्रबंधक की लापरवाही आई सामने। स्कूली बच्चों को ले जाने वाला टेम्पो पलटा। छात्रा के हाथ में गंभीर चोट आई। प्रबंधकों ने नहीं करवाया इलाज। बहराइच में कोटेदार ने ट्रक चालकों को डंडे से पीटा। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच।
महराजगंज में उच्च प्राइमरी स्कूल में जर्जर भवन से शिक्षा व्यवस्था बेहाल, एक ही कमरे में बैठकर क्लास 6, 7 और 8 के छात्र पढ़ाई करने को मजबूर। देवरिया में शराब तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, 31 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। शराब तस्कर गुड्डू यादव के खिलाफ दर्ज है करीब 11 मुकदमे। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, श्रावस्ती में 1 किलो चरस और 4 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चमोली में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी, महिला ने बीच सड़क पर नवजात शिशु को जन्म दिया, 10 किलोमीटर पैदल पगडंडियों पर चलकर जा रहे थे अस्पताल। हमीरपुर में अवैध असलहों पर चला बुलडोजर, 200 से ज्यादा अवैध असलहे किए गए नष्ट, सड़क पर असलहों को रख कर चलाया गया बुलडोजर। बलिया में जी यूबी यूके की खबर का बड़ा असर, छात्रों से शौचालय साफ कराने का मामला, शौचालय साफ कराने वाले प्रिंसिपल निलंबित। मुजफ्फरनगर में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे टोल फ्री करने का ऐलान, भूमिहार समाज के तमाम नेता रोहाना छपाट टोल पहुंचे। गन्ने की बकाया भुगतान को लेकर शामली में भारतीय किसान यूनियन का 5वें दिन भी धरना जारी, 13 सितंबर को चक्का जाम का ऐलान। बिजनौर में शिक्षा मित्रों ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, थाना चांदपुर के हरपुर रेलवे ट्रैक का मामला। इटावा में मिस्त्री की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। देवरिया में नहर के पास दिखा घड़ियाल, ग्रामीणों ने घड़ियाल को पकड़कर वन विभाग को सौंपा वीडियो वायरल। आगरा में सट्टेबाजों और जुआरियों के हौसले बुलंद, एसएसपी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दे रही दबिश, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर रील बनाने के मामले में अमरोहा कोतवाली की महिला सिपाही निलंबित, डीजी बरेली जोन ने की कार्रवाई, ड्यूटी के दौरान बनाया था रील। ऋषिकेश में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, हिमालय दिवस की सीएम धामी ने बधाई दी। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, बिल्डिंग के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। आजाद मार्केट में बिल्डिंग के मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी। 2024 चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दिया बयान, कहा वो नीतीश कुमार हेमंत सोरेन के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी, बंगाल से ही बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू होगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले सीएम नहीं पीएम नीतीश कहिए, नीतीश पीएम बनेंगे तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। मांझी ने कहा हम नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं, जितना काम उन्होंने बिहार के लिए किया अब देश के लिए करें। मुंबई में पाकिस्तानी और रूसी सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना के बाद आज किया जा रहा मूर्तियों का विसर्जन, हैदराबाद में विधि विधान के साथ भक्त कर रहे हैं विसर्जन। देश भर में आज हो रहा है 10 दिनों के गणपति का विसर्जन, मुंबई में लोग नाचते गाते हुए मूर्तियों का कर रहे विसर्जन। ऋषिकेश एम्स में एसडीएम संगीता कन्नौजिया का हुआ निधन, 26 अप्रैल को एसडीएम लक्ष्य संगीता कन्नौजिया का हुआ था एक्सीडेंट, तब से एम्स में चल रहा था इलाज। हवाई सीमा होगी चाक चौबन, डीआरडीओ की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण, 3 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी, जलभराव की वजह से बेंगलुरु का अब हाल बेहाल। कर्नाटक के बल्लारी में बाढ़ का कहर जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पलटी एसडीआरएफ की नाव, हादसे में बाल बाल बची, नाव सवार लोगों की जान। भारत और जापान के बीच टोक्यो में हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री रहे शामिल। मंत्री स्तरीय संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की कही बात, कहा हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा पर चीन ने जताई नाराजगी, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा ताइवान अब भी चीन का हिस्सा।
कैरिबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई और अपराध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करके आग चुनी, सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इंद्र यात्रा उत्सव की शुरुआत, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए की गई विशेष पूजा, इंद्र ध्वज लगाकर शुरू की गई पर्व की शुरुआत। एशिया कप में फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत के साथ अपने अभियान को किया खत्म। सुपर चार के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रनों से हराया। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने बनाए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने बनाए थे 62 रन। भारत की जीत में विराट कोहली ने ठोके 61 गेंदों पर 122 रन। टी20 इंटरनेशनल में कोहली का पहला शतक। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार ने गेंद में मचाया धमाल, भुवी ने महज 4 रन देकर 5 विकेट लिए। टीम इंडिया सुपर 4 राउंड में 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही, वहीं अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका और वो चौथे पायदान पर रहा। रैपर सिंगर यू हनी सिंह और शालिनी तलवार का हुआ तलाक, दोनों के बीच 1 करोड़ रुपए पर हुआ समझौता। शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। सेंट्रल विस्टा वेन्यू के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और मोहित चौहान जैसे सेलेब्स पहुंचे, कर्तव्य पथ पर बोली कंगना, नेताजी ने दिलाई आजादी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार विक्रम वेधा का ट्रेलर रिलीज, विक्रम वेधा के ट्रेलर उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक और सैफ के अलावा राधिका आप्टे, रोहित सराफ, योगिता बिहानी, शरीफ हाशमी और सत्यदीप मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई है।